मेरा नाम अर्चना है। मेरा यूटेरस का ऑपरेशन हुआ है। मेरा जब फर्स्ट बेबी था जब ही से थी है, पर उस समय तो बहुत छोटा था, तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी की जरूरत नहीं है इसमें, तो अभी फैमिली पूरी हो जाए फिर आप, मतलब जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा तभी देखेंगे फिर क्या करना है। तो फिर हमने भी छोड़ दिया इस चीज़ को। फिर अभी 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो फिर वही अल्टीमेट ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। तो हम भी सर्जरी नहीं चाहते थे कि वो पेट चिरा है, और तो फिर लेप्रोस्कोपी सब सजेस्ट कर रहे थे कि अच्छा है ये। फिर हम डॉक्टर से मिले, आरती महला से, तो हमें भी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और फिर मेरे भैया भी फिर सपोर्ट किए कि नहीं, डॉक्टर अच्छी हैं, जो करा लो, कोई डरने की बात नहीं। हाँ, बाकी जगह तो जहाँ मैंने, मतलब दोनों बेबी मेरे जहाँ हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, वो भी मतलब नॉर्मल ही कराया उन्होंने ईसू, तो हमें ज़्यादा विश्वास उन पे ही था, पर उन्होंने मना कर दिया। बोले कि इतना बड़ा गांठ तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, जो पेट तो चीरना ही पड़ेगा, लेप्रोस्कोपी तो नहीं होगा। तो हम दुखी भी हुए, परेशान भी थे। फिर मेरे भैया के मतलब सपोर्ट से हम आरती महला डॉक्टर के पास आए, फिर दोबारा वापस। पेशेंट अर्चना हमारे पास 6 महीने पहले भी आई थी, उस टाइम इनके पेट में बहुत बड़ी गांठ थी। तो जैसे हमने उनको बताया तो उनको ये था कि हमारा सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली ही होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने बहुत सारे अस्पतालों में 6 महीने तक सब जगह पता किया, सभी जगह से उन्हें यही जवाब मिला कि इसको ओपन सर्जरी ही करवाना ठीक रहेगा, लैप्रोस्कोपिकली नहीं हो पाएगा। फाइनली जब ये हमारे पास आए तो हमने इसको एज ए चैलेंज लिया और हमने प्रॉपर सर्जिकल प्लानिंग से इसको ऑपरेट किया। जो ये ट्यूमर था इसका साइज़ था 20x13x10 cm, और आफ्टर मॉर्सिलेट करके जब हमने इसको निकाला सर्जरी के बाद में यूट्रस को, तो उसका वेट था 2 kg। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे जो केसेस हैं उनमें एक तो ये रहता है कि जो फाइब्रॉइड का प्रेशर है वो यूरेटर्स पे रहता है, और आगे डिसेक्शन ब्लैडर होता है उस पर भी प्रेशर रहता है, तो ब्लैडर और यूरेटर पे ट्रॉमा होने के चांस रहते हैं। तो हमने यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन प्री ऑप ही करवा लिया था, तो हमने उनको यूरेटर्स को सेफ गार्ड किया। और दूसरा एक चैलेंज जिसमें ये रहता है कि जैसे बहुत बड़ा ट्यूमर होता है तो उसमें ब्लड वेसल्स भी बहुत बड़ी होती हैं, उनमें ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो हमें बहुत ही मेटिकुलस तरीके से इसको ग्रेजुअली, मतलब स्टेप बाय स्टेप, बहुत पेशेंस के साथ में इसको करना पड़ता है। और थर्ड चैलेंज इसमें ये होता है कि पेशेंट का जो 80% ऑफ एब्डोमन का कैपेसिटी वॉज ऑक्यूपाइड बाय द फाइब्रॉइड ओनली, तो हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है उसमें। और फोर्थ चैलेंज इसमें ये होता है कि इतना बड़ा ट्यूमर को आपको मॉर्सिलेट करके निकालना है बाय 7 mm ऑफ पोर्ट, तो उसको मॉर्सिलेट करके धीरे धीरे हमको निकालना पड़ता है। डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं, बातचीत करके फील होता है कि हम मतलब फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं लगता है कि डॉक्टर बहुत बड़ी हैं, और डर नहीं लगता है उनसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने जो भी पूछा प्रोसेस ऑपरेशन का, लेप्रोस्कोपी का, उन्होंने सब कुछ क्लियरली बता दिया कि कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, सर्जरी में कितना टाइम लगेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सब कुछ बताया क्लियरली। फिर बात करके हमें अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो पेशेंट अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत खुश हैं कि हमने लैप्रोस्कोपिकली ही उसको एज ए चैलेंज लिया और उसको प्रॉपर तरीके से हमने उसको करके दिखाया है।